ब्रिटेन में नए तरह के कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। नया वायरस लंदन और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिटेन से नए वायरस पर पूरी जानकारी मांगी है। साथ ही WHO ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। ब्रिटेन में नए तरह का कोरोना वायरस सामने आने के बाद फ्रांस ने सभी तरह की यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। पेरिस से लंदन जाने वाली सभी फ्लाइट्स को मध्य रात्रि से ही रोक दिया गया है। साथ ही दोनों देशों के बीच चलने वाली ट्रेनें भी रोक दी गई है। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए इजराइल ने ब्रिटेन, डेनमार्क और दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इन देशों में कोरोना महामारी तेजी से फैल रहा है, जिसे देखते हुए कदम उठाया गया है। यूरोपीय देश सर्बिया और क्रोएशिया के बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। यहां हजारों गाड़ियां कतारों में दिखाई दे रही हैं। दोनों देशों के नागरिक क्रिसमस पर अपने घर जाने के लिए यहां पहुंचे, लेकिन कोरोना टेस्ट की वजह से बॉर्डर पर अफरातफरी के हालात बन गए। दुनिया भर में कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 17 लाख हो गई है, जबकि 7,72,00,000 लोग संक्रमित हैं। कोरोना से तबाही के मामले में अमेरिका अभी भी टॉप पर है, जबकि भारत दूसरे और ब्राजील तीसरे स्थान पर है। अमेरिका में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा दिया है। यहां महज एक दिन में ही 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। महामारी शुरुआत होने के बाद से ही एक दिन में आने वाली ये रिकॉर्ड संख्या है। वहीं इस दौरान 2700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका पर हुए साइबर हमले के लिए रूस के बजाय चीन को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि साइबर हमला रूस नहीं बल्कि चीन ने किया। साथ ही ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी मीडिया चीन के हाथ होने की संभावना पर चर्चा करने को लेकर डरा हुआ है। कोरोना महामारी के बीच बेलारूस में सियासी संग्राम जारी है। राजधानी मिंस्क की सड़कों पर एक बार फिर सैकड़ों लोग उतरे और जमकर बवाल काटा। लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे लोग राष्ट्रपति लुकाशेंको से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच ब्राजील के समुद्री तटों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। रियो के समुद्री तटों पर हजारों लोग मौज मस्ती करते हुए नजर आए। यहां कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा और न ही मास्क पहने हुए लोग नजर आए। मशहूर अमेरिकी सिंगर एरियाना ग्रांडे ने कारोबारी डाल्टन गोमेज से सगाई कर ली है। इसकी घोषणा ग्रांडे ने अपनी कई तस्वीरों के साथ इंस्टाग्राम पर की है। ये दोनों एक साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि दोनों शादी कब करेंगे इसकी जानकारी नहीं है।